चलिए जनवरी का, जनवरी जनवरी के बाद आपका आएगा दिसंबर, उसके बाद क्या आएगा, 11वां महीना नवंबर, और फिर आपका 10वां महीना अक्टूबर, फिर सितंबर तक दिया हुआ, ज्यादा नहीं होगा, ठीक है। चलिए जनवरी कर लेते हैं। बैक में चल रहा, भारतीय नौसेना ने वर्ष 2024 में नौसेना नागरिकों का वर्ष घोषित किया है, ठीक है। तो भारतीय नौसेना के द्वारा नौसेना नागरिकों का वर्ष कब घोषित किया गया है, तो 2024 को घोषित किया गया, ठीक है। भारतीय सेना ने वर्ष 2024 को प्रौद्योगिकी अवशोषण वर्ष के रूप में भी मनाने की घोषणा की है। तो भारतीय सेना ने वर्ष 2024 को प्रौद्योगिकी अवशोषण वर्ष के रूप में मनाने की घोषणा की है, ध्यान में रखना है। हाल ही में डीआरडीओ ने ओडिशा के चांदीपुर से नई पीढ़ी मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। मिसाइल का नाम क्या है, आकाश, ठीक है। क्या नाम है मिसाइल आकाश का नाम, तो मिसाइल का नाम आकाश है, ठीक है। हाल ही में आईएनएस निरूपक, हाल ही में आईएनएस निरूपक को 38 साल की सेवा के बाद विशाखापट्टनम से सेवामुक्त किया गया, ठीक है। तो हाल ही में आईएनएस निरूपक को 38 साल की सेवा के बाद विशाखापट्टनम से क्या कर दिया गया, तो सेवामुक्त किया गया, ठीक है, ध्यान में रखना है, ठीक है। और डीआरडीओ ने ओडिशा से चांदीपुर से नई पीढ़ी की किस कौन सी मिसाइल की सफलतापूर्वक परीक्षण किया है, तो क्या बताएंगे, आकाश को, ठीक है। तो आईएनएस निरूपक की बात करेंगे, 38 साल सर्व करने के बाद सेवामुक्त हो गए। भारतीय नौसेना ने 40 वर्षों की सेवा के बाद आईएनएस चीता, गुलदार और कुंभीर को पोर्ट ब्लेयर में सेवामुक्त किया है, ठीक है। तो भारतीय नौसेना ने 40 वर्षों की सेवा के बाद आईएनएस चीता, गुलदार और कुंभीर को पोर्ट ब्लेयर में सेवामुक्त किया है, यह भी आपको ध्यान में रखना है। भारतीय सेना ने संभव नामक संपूर्ण सुरक्षित मोबाइल प्रस्तुतिकी तंत्र विकसित किया है, जो अत्याधुनिक 5G तकनीक पर काम करेगा, ठीक है। तो क्या है संभव, क्या है, तो सुरक्षित मोबाइल प्रस्तुतिकी तंत्र है, ठीक है। सिक्योर आर्मी मोबाइल भारत वर्जन जिसको बोलते हैं, उसी को संभव बोलते हैं। इसको भारतीय सेना के द्वारा इसको विकसित किया गया, संभव, संभव का फुल फॉर्म क्या होगा, तो सिक्योर आर्मी मोबाइल भारत विजन है, ठीक है, ध्यान में रखना। मतलब एक प्रकार का इकोसिस्टम है, इसमें काफी बेहतरीन तरीके से, मतलब क्या होगा, बातचीत यहाँ पे की जाएगी, ठीक है, ध्यान में रखना है, ठीक है, काफी अधिक महत्वपूर्ण है, ठीक है, भूलेंगे नहीं संभव को, ठीक है। संभव का फुल फॉर्म क्या है, सिक्योर आर्मी मोबाइल भारत वर्जन, इंडियन इम्यूनोलॉजिकल लिमिटेड ने भारत का पहला स्वदेशी रूप से विकसित हेपेटाइटिस ए वैक्सीन, ठीक है, हैबीस्योर को लॉन्च किया है, ठीक है। तो पहला हेपेटाइटिस ए का वैक्सीन का नाम क्या हैबीस्योर, ठीक है। हेपेटाइटिस, किस हेपेटाइटिस का अभी तक वैक्सीन नहीं है, मतलब कोई इलाज नहीं उसका, हेपेटाइटिस सी का सी हाँ, सी शी का जो है, से आपका इलाज आपका नहीं है, ध्यान में रखना है, हेपेटाइटिस सी का इलाज नहीं है। और हैबीस्योर वैक्सीन की बात करें किसका है, तो क्या बताएंगे, स्वदेशी हेपेटाइटिस रूप सी से का विकसित इसका हेपेटाइटिस ए का है, ठीक है, ध्यान में रखना। किसने विकसित किया है, इंडियन इम्यूनोलॉजिकल लिमिटेड ने, ठीक है। स्पेसएक्स ने स्वीडन का पहला निजी तौर पर वित्त पोषित उपग्रह ओवी जोन 3 को लॉन्च किया है। तो ओवी जोन 3 की बात करेंगे, स्पेसएक्स के द्वारा लॉन्च किया गया, किस देश का है ये स्पेसक्राफ्ट, तो क्या बताएंगे, स्वीडन का स्वीडन का, ठीक स्वीडन है। आप चलेंगे चीन के स्टार्टअप कंपनी जिसका नाम है बीटा वोल्ट, बीटा वोल्ट ने दुनिया की पहली परमाणु बैटरी का अनावरण किया, जो 50 वर्षों तक बिना चार्ज किए काम कर सकती है, ये अच्छी बात है, मोबाइल में लगा दो इसको यार, ठीक है। तो बीटा वोल्ट की बात करेंगे, दुनिया की पहली परमाणु बैटरी है, जो कि मतलब 50 वर्षों तक बिना चार्ज किए ही, मतलब क्या कर सकती है, काम कर सकती है, ठीक है। चीन ने बनाया, चीन की किस स्टार्टअप ने बनाई है, तो बीटा वोल्ट ने, किसने बनाई है, बेटा बीटा बोल वोल्ट ने बनाई, ठीक है। अब आते हैं स्टीड फास्ट डिफेंडर, तो स्टीड फास्ट डिफेंडर की बात करेंगे, तो ये नाटो का एक्सरसाइज है, ठीक है। तो नाटो सदस्य देशों के बीच शीत युद्ध के बाद सब अपना सबसे बड़ा सैन्य अभ्यास ट्रांस अटलांटिक क्षेत्र में 22 जनवरी से 31 मई 2024 तक आयोजित किया। तो शीत युद्ध के बाद, कोल्ड वॉर के बाद, ये सबसे बड़ा एक्सरसाइज है नाटो को द्वारा किया गया। नाम क्या है इस एक्सरसाइज का, तो स्टीड फास्ट डिफेंडर, क्या नाम है एक्सरसाइज का, स्ट्रीट फास्ट एक्सरसाइज का नाम है डिफेंडर स्टीड फास्ट डिफेंडर, ठीक है। हाल ही में ईरान ने 3 उपग्रह जिसका नाम है महदा, कायहान 2, फतेह 1 का अंतरिक्ष में सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया, ठीक है। तो 3 उपग्रहों को अंतरिक्ष में सफलतापूर्वक प्रक्षेपित कर दिया है, नाम क्या, महदा, कायहान और साथ में फतेह 1, ठीक है। इस तीनों अंतरिक्ष यान का नाम आपको ध्यान में रखना है, इंपॉर्टेंट है। प्रीति रजक की बात करेंगे, तो सेना में पहली महिला सूबेदार बन गई, ठीक है। तो सेना की पहली महिला सूबेदार का नाम क्या है, प्रीति रजक है, ठीक है। क्या नाम है प्रीति इनका, तो
इनका नाम क्या है, प्रीति रजक है, ठीक है। स्पेस एक्स ने नासा के कैनेडी स्पेस सेंटर से अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए X3 मिशन को लॉन्च किया है। तो X3 मिशन को किसने लॉन्च किया है, तो क्या बताएंगे, स्पेस एक्स ने स्पेसएक्स लॉन्च किया है, ठीक है। किसके लिए है ये, तो इंटरनेशनल, ठीक है, स्पेस स्टेशन के लिए। कौन सा मिशन, तो AX3 मिशन है, ठीक है, इसको आपको ध्यान में रखना चाहिए, ठीक है। हमारे 27 जनवरी को इसरो ने POEM-3 मिशन के सभी प्रयोगों का सफल परीक्षण किया है, ठीक है। तो POEM-3 मिशन की इसरो के द्वारा सफल परीक्षण किया गया। POEM-3 मिशन किसका एग्जाम्पल है, थ्री नो डेब्रिस इन सेटेलाइट। स्पेस। हाँ बिल्कुल, नो डेब्रिस इन स्पेस, ठीक है, ध्यान में रखना है, अंतरिक्ष मलबा मुक्त, ठीक है। इसरो ने श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से अपना पहला एक्सरे पोलारीमीटर सैटेलाइट एक्सोसेट को PSLV-C58 के जरिए लॉन्च किया है, ठीक है। तो पहला एक्सरे पोलारीमीटर सैटेलाइट, जिसको एक्सोसेट कहते हैं, इसको किस अंतरिक्ष यान से इसको लॉन्च किया गया, तो क्या बताएंगे, रॉकेट का नाम, सर, पीएसएलवी PSLV-C58, ठीक है। अब आते हैं Sea-Dragon 24। तो Sea-Dragon 24 की बात करेंगे, नौसेना के अभ्यास है, किसका अभ्यास है, नौसेना के अभ्यास है, ठीक है। कहां पे हुआ है, तो अमेरिका के गुआम द्वीप पर आयोजित किया गया है, ठीक है। भारतीय नौसेना के किस विमान ने इसमें हिस्सा लिया है, तो क्या बताएंगे, भारतीय नौसेना के किस विमान ने हिस्सा लिया है, तो P-81 ने इसमें हिस्सा लिया है, ठीक है। P-8I है, वन नहीं है, P-8I, ठीक है, ध्यान में पोसाइडन पर रखना नहीं है है। क्या, क्या एक पोसाइडन करके है, नहीं है दूसरा है, पोसाइडन हो सकता है, नहीं वो शॉर्ट जासूसी नाम वाला दिया है, होगा पोसाइडन, तो आई थिंक जासूसी में काम आता है, ठीक हाँ है। वो दूसरा है एयरफोर्स का। अब आते हैं Sea-Dragon 24, ध्यान में रखना है। तो ये नौसेना का अभ्यास है, कहाँ पे हुआ है, तो अमेरिका में हुआ है, ठीक है। हाल ही में स्वदेशी असॉल्ट राइफल उग्रम को लॉन्च किया है, ठीक है। इस उग्रम का रेंज कितना है, कितने किलोमीटर तक, कितने मीटर तक मार कर सकती है उग्रम, तो 500 मीटर। 500 मीटर तक के, ठीक है, ये हमला कर सकती है। उग्रम क्या है, तो उग्रम असॉल्ट राइफल्स है, जो कि मतलब स्वदेशी रूप से निर्मित है, ठीक है, ध्यान रखना है। हाल ही में नासा ने अमेरिकी निजी कंपनी एस्ट्रोबोपनी द्वारा विकसित चंद्र मिशन के लिए पेरीग्रीन 1 लैंडर को लॉन्च किया गया, ठीक है। तो ध्यान रखना है, नासा ने अमेरिकी निजी कंपनी जिसका नाम था एस्ट्रोबोपनी के द्वारा विकसित चंद्र मिशन के लिए एक लैंडर को तैयार किया गया, लॉन्च किया गया। लैंडर का नाम क्या है, द पेरीग्रीन 1, ठीक है। पेरीग्रीन 1 की बात के लैंडर है, किस मिशन के लिए, तो चंद्र मिशन के लिए। हाल ही में चीन ने ब्रह्मांड की रहस्यमयी घटनाओं के अध्ययन के लिए लोबेस्टर आई इंस्पायर्ड एक्सरे तकनीक को आइंस्टीन प्रोब उपग्रह को लॉन्च किया, ठीक है। तो आइंस्टीन प्रोब उपग्रह को लॉन्च किसने किया है, चीन ने, किसने चीन किया है, चीन ने किया, क्यों किया है, तो ब्रह्मांड की, ठीक है, ब्रह्मांड की रहस्यमयी घटनाओं के अध्ययन करने के लिए, ठीक है। और आइंस्टीन प्रोब जिसका नाम क्या है, लोबेस्टर आई इंस्पायर्ड एक्सरे तकनीक से इसको लॉन्च किया गया। हाल ही में भारतीय नौसेना ने अपना पहला स्वदेशी मीडियम एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्यूरेंस ड्रोन दृष्टि 10 को विकसित किया है, ठीक है। तो दृष्टि 10 क्या है, एक विकसित है, जो कि क्या है, एक ड्रोन है, जो कि मतलब एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्यूरेंस, ठीक है, ध्यान में रखना है, जो कि मतलब भारतीय नौसेना के द्वारा विकसित किया गया, मीडियम रेंज का है, यह भी आपको ध्यान में रखना। हाल ही में ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने निपाह वायरस के टीके, इसका नाम क्या है, चैडो X1, निपा-V का पहला मानव परीक्षण किया, जिसमें 18 से 55 वर्ष की आयु के प्रतिभागी है, ठीक है। तो ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय ने निपा वायरस के टीके का पहला मानव परीक्षण किया है, ठीक है, जिसका नाम क्या है, चैडो X1 निपा-V। हाल ही में जापान चंद्रमा पर अंतरिक्ष यान में सफलतापूर्वक लैंडिंग करने वाला 5वां देश बन गया, ठीक है। तो चंद्रमा पे, ठीक है, सफलतापूर्वक लैंडिंग करने वाला कौनवा देश बन गया है, पांचवा जापान, तो 5वां देश बन गया है, ठीक है। अब आते हैं हम लोग दिसंबर 2023, 4 देश पहले से थे, भारत की बात करेंगे, चौथा देश है, और 5वां देश की बात करेंगे, तो जापान, ठीक है। अब आते हैं दिसंबर 2023 के करंट अफेयर्स को भी जरा देख लेते हैं। तो कमांडर कमांडर प्रेरणा देवस्थली भारतीय नौसेना के पश्चिमी बेड़े में युद्ध पोत की कमान संभालने वाली पहली महिला अधिकारी बन गई, ठीक है। तो कमांडर देव प्रेरणा देवस्थली की बात करेंगे, भारतीय नौसेना के पश्चिमी बेड़े में युद्ध पोत की कमान संभालने वाली पहली महिला क्या बनी है, अधिकारी बनी है, ठीक है। चीन की निजी कंपनी लैंड स्पेस ने दुनिया में पहली बार मिथेन संचालित ऑक्सीजन रॉकेट, ठीक है, क्या
पढ़ेंगे इसको यार, जुकू, जुकू 2x3 से 3 उपग्रहों का सफल पूर्वक परीक्षण किया है। ठीक है, तो चीन की निजी कंपनी का नाम क्या है? लैंड स्पेस। दुनिया की पहली और मिथेन संचालित ऑक्सीजन रॉकेट जिसका नाम क्या है? जुकू Y23 से 3 उपग्रहों का सफल परीक्षण किया है। ठीक है, जो कि किससे चलती है? मिथेन से चलती है। ठीक है, चंद्रयान 3 की सफलता के लिए आइसलैंड के हुसानिक संग्रहालय द्वारा इसरो को प्रतिष्ठित लीफ एरिक्सन लूनर पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया। ठीक है, तो भारत के किस मिशन को लीफ एरिक्सन लूनर पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया? तो क्या बताएंगे? तो चंद्रयान 3 को। ठीक है, किसने दिया? तो आइसलैंड के हुसानिक संग्रहालय ने दिया। चीन ने पृथ्वी पर दुनिया के सबसे गहरे प्रयोगशाला, ठीक है, जिनपिंग अंडरग्राउंड लैब की शुरुआत की है। इसकी गहराई 2400 मीटर होगी। ठीक है, तो दुनिया की सबसे, ठीक है, गहरी प्रयोगशाला किसके द्वारा बनाया जा रहा है? चीन के द्वारा। क्या नाम है? जिनपिंग अंडरग्राउंड लैब। ठीक है, इसमें कोरोना वोरोना को किस प्रकार से फिर से फैलाया जाए, दुनिया को परेशान कैसा किया जाए, ये सारे चीज का यहाँ पे रिसर्च होगा। ठीक है, 2400 मीटर गहराई पे है, तो इसमें वो भी नहीं पहुंच सकती, क्या बोलते हैं, प्रकाश भी नहीं जा पाएगा। गूगल ने अपना एडवांस एआई मॉडल जेमिनी एआई लॉन्च किया है। गूगल ने इससे पहले अपनी एआई मॉडल बार्ड को लॉन्च किया था। ठीक है, तो जेमिनी और बार्ड किसका एआई मॉडल है? तो क्या बताएंगे? गूगल का किसका है? गूगल का है। ठीक है, और ओपन एआई का क्या है? चैट जीपीटी 4। ठीक है, चैट जीपीटी उसका कौन सा वर्जन? 3.5 लॉन्च किया गया ना, ये 4 भी लॉन्च हो गया। और हो गया फोर सर। पहले 3 आया था, 3.5 आया था, 4 भी लॉन्च हो गया। ठीक है, दिल्ली कैंट के आर्मी अस्पताल में भारतीय डॉक्टरों द्वारा भारत का पहला बोन मैरो ट्रांसप्लांट किया गया। ठीक है, तो बोन मैरो ट्रांसप्लांट कहाँ पे किया गया? तो दिल्ली कैंट के आर्मी अस्पताल में भारतीय डॉक्टरों के द्वारा पहला बार बोन मैरो ट्रांसप्लांट किया गया। ठीक है, भारतीय वायुसेना ने आंध्र प्रदेश के सूर्यलंका वायुसेना स्टेशन में अस्त्र शक्ति 2023 अभ्यास के दौरान अपने इन हाउस डिजाइन और विकसित समर वायु रक्षा प्रणाली का सफल परीक्षण किया है। ठीक है, ध्यान रखना है, ठीक है, सफल फायरिंग परीक्षण किया है। तो भारतीय वायुसेना ने आंध्र प्रदेश के सूर्यलंका वायुसेना स्टेशन में अस्त्र शक्ति 2023 का अभ्यास के दौरान अपने इन हाउस डिजाइन और विकसित समर द्वारा रक्षा मिसाइल प्रणाली का सफल फायरिंग परीक्षण किया है। यह भी आपको ध्यान में रखना है। वायुसेनाभ्यास अस्त्र शक्ति 2023 के दौरान भारत में स्वदेशी आकाश सतह से हवा हथियार प्रणाली के साथ एक साथ 4 लक्ष्यों पर हमला करने की क्षमता प्रदर्शित करने वाला विश्व स्तर का पहला देश बन गया है। ठीक है, तो वायुसेनाभ्यास अस्त्र शक्ति 2023 के दौरान भारत अपने, ठीक है, स्वदेशी आकाश सतह से हवा हथियार प्रणाली का एक साथ 4 लक्ष्यों पर हमला करने वाली, इस तरह की क्षमता प्रदर्शित करने वाली विश्व स्तर का पहला देश बन गया है। ठीक है, 4 स्तर पे हम लोग क्या कर सकते हैं? हमला कर सकते हैं। हाल ही में पाकिस्तान ने स्वदेशी रूप से विकसित गाइडेड मल्टी लॉन्च रॉकेट सिस्टम फतह 2 का, ठीक है, सफल परीक्षण किया। फतह पाकिस्तान का, ठीक है, फतेह की बात करेंगे, फतेह कहाँ का है? तो फतेह ईरान हो जाएगा। ठीक है, फतह पाकिस्तान, और फतेह की बात करेंगे ईरान होगा। ठीक है, वो सेटेलाइट विश्व भारती विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने एक बैक्टीरिया की खोज की है जो पौधे की वृद्धि को बढ़ाने में सक्षम। इस बैक्टीरिया का नाम रविन्द्रनाथ टैगोर जी के नाम पे रखा गया है। क्या नाम है इसका? पेंटोइया टैगोरी रखा गया। क्या नाम रखा गया इसका? नाम पेंटोइया टैगोरी रखा गया। क्या करती है बैक्टीरिया? तो ये मतलब क्या करती है? पौधे की वृद्धि को बढ़ाने में क्या है ये? सक्षम है। ठीक है, इसको आपको ध्यान में रखना चाहिए। अब चलते आगे चलेंगे। अलबामा के हंस 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 विले में नासा के मार्शल स्पेस फ्लाइटर सेंटर के इंजीनियरों ने एक नए 3D प्रिंटेड रोटेटिंग डोनेशनल रॉकेट इंजन का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। ठीक है, तो अलबामा के हंस हंस विले में नासा के मार्शल स्पेस फ्लाइट सेंटर के इंजीनियरों ने एक नए 3D रोटेटिंग डोनेशन रॉकेट इंजन का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। चीन ने पृथ्वी के ऊपरी आवरण में खुदाई के लिए मेंगजियांग नामक एक विशाल महासागर ड्रिलिंग जहाज का निर्माण किया है। मेंगजियांग का चीनी भाषा में अर्थ क्या है? सपना है। ठीक है, तो मेंगजियांग क्या है? तो विशाल महासागर ड्रिलिंग जहाज है जो कि पृथ्वी के ऊपरी आवरण में खुदाई कर सकता है। ठीक है, हाल ही में जापान के इबाराकी प्रांत में दुनिया के सबसे बड़े और सबसे उन्नत परमाणु संयंत्र रिएक्टर JT-60SA का अनावरण किया गया। यूरोपीय संघ और जापान के बीच में सहयोगात्मक प्रयास के रूप में विकसित हुआ।
तो हाल ही में जापान के इबाराकी प्रांत में दुनिया के सबसे बड़े और सबसे उन्नत परमाणु शैल रिएक्टर जिसका नाम क्या है, जेटी जेटी अनावरण किया गया। ठीक है, 1 मिनट रुकना जरा। क्या नाम है इसका? तो JT-60 SA नाम है। ठीक है, क्या है ये? तो परमाणु संलयन रिएक्टर है। ठीक है, ध्यान में, किसके से इसको विकसित किया गया है? तो जापान, और साथ में क्या बताओगे? ESA, यूरोपियन स्पेस एजेंसी। ठीक है, अब आते चीन 2023 में, सॉरी दिसंबर 2023 में चीन ने विश्व का पहले चौथे पीढ़ी के परमाणु रिएक्टर की स्थापना की घोषणा कर दी। इसका नाम क्या है? सीदाबो बे परमाणु ऊर्जा संयंत्र है जो चीन के पूर्वी सेडोंग प्रांत में विकसित किया गया। तो विश्व के चौथे पीढ़ी का फोर्थ जनरेशन परमाणु रिएक्टर बनाने की घोषणा किसने की है, क्या बताएंगे? तो चीन ने की है। क्षुद्रग्रह जिसका नाम है एपोफिस, क्या नाम है? एपोफिस। क्षुद्रग्रह एपोफिस जिसे अराजकता के देवता के रूप में जाना जाता है, 13 अप्रैल 2009 को लगभग 20,000 मील दूर से पृथ्वी के पास से गुजरने की संभावना है। नासा ने इसका अध्ययन करने के लिए, ठीक है, कौन सा मिशन को लॉन्च किया है? ओसी ओसीरिस रेक्स अंतरिक्ष यान लॉन्च किया है। ठीक है, अंतरिक्ष यान ओसीरिस 2029 में क्षुद्रग्रह ओपोफिस के पृथ्वी के बेहद करीब से गुजरने का अध्ययन करेगा। ठीक है, तो अभी ध्यान में रखना, ये कब गुजरेगी? ये 2029 में। ठीक है, कितने मील दूरी से पृथ्वी के पास से गुजरेगी? तो 2000 मील दूर से पृथ्वी के पास से गुजरने की इसकी संभावना है। ठीक है, इसके लिए कौन से मिशन को लॉन्च किया गया है? कौन से मिशन को लॉन्च किया गया है? नासा ने किस मिशन को लॉन्च किया इसके लिए? ओसी रिस रेक्स मिशन। ठीक है, इसको अरे ध्यान में रखना है। और किस किस क्षुद्रग्रह का अध्ययन करेगी? तो एपोफिस की अध्ययन करेगी। ठीक है, एपोफिस का मतलब क्या होता है? अराजकता का देवता होता है। ठीक है, अराजकता का देवता इसलिए कह रहा है जो पृथ्वी के पास से गुजरने, कभी अगर टकरा जाए तो बहुत दिक्कत हो सकती है। ठीक है, भारतीय नौसेना द्वारा मुंबई तट के पास द्विवार्षिक अभ्यास प्रस्थान का आयोजन किया गया। प्रस्थान जो है द्विवार्षिक अभ्यास से 2 साल में एक बार होता है। भारतीय नौसेना के द्वारा इसका आयोजन किया गया। कहां पे किया गया? मुंबई के तट पे। ठीक है, गार्डन रिच शिप बिल्डर्स इंजीनियरिंग कोलकाता में बनाए जा रहे हैं 4 सर्वेक्षण पोर्ट। बृहद में से प्रथम की बात कर संध्यायक की बात करेंगे, 4 दिसंबर 2023 को भारतीय नौसेना को सौंप दिया गया। ठीक है, तो ध्यान में रखना है, तो 4 सर्वेक्षण पोर्ट बनाया जा रहा है जिसमें से प्रथम क्या संध्यायक है, इसको क्या किया है? सौंप दिया गया है। ठीक है, गार्डन इज शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियरिंग कोलकाता में बनाए जा रहे हैं 4 सर्वेक्षण पोत है। ठीक है, ध्यान में रखना है। अब बात करेंगे नवंबर 2023 पे हम लोग आ गए हैं। तो भारतीय नौसेना ने DRDO के सहयोग से विकसित पहली स्वदेशी नौसेना एंटी-शिप मिसाइल किंग 42B हेलीकॉप्टर के जरिए परीक्षण किया। तो भारतीय नौसेना ने DRDO के सहयोग से विकसित पहली स्वदेशी नौसेना एंटी शिप मिसाइल का नाम क्या है? किंग 42B हेलीकॉप्टर के जरिए परीक्षण किया गया है। भारतीय तटरक्षक बल ने, ठीक है, वाडिनार, भारतीय तटरक्षक बल ने वाडिनार गुजरात में राष्ट्रीय स्तर प्रदूषण प्रतिक्रिया अभ्यास, ठीक है, नैट प्रोलेक्स 11 का, ठीक है, क्या किया है? 11 नहीं, 9 है ना, 9 का आयोजन किया है। ठीक है, तो भारतीय तटरक्षक बल ने वाडिनार गुजरात में राष्ट्रीय स्तर प्रदूषण प्रतिक्रिया अभ्यास जिसका नाम क्या है, नेट पोलरेक्स 9 का आयोजन किया है। ठीक है, किस प्रकार का अभ्यास है ये? तो प्रदूषण प्रतिक्रिया अभ्यास है। ठीक है, राष्ट्रीय स्तर का। नई दिल्ली में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने प्रोजेक्ट 15B के तहत निर्मित स्टिल्थ गाइडेड मिसाइल विध्वंसक इम्फाल का अनावरण किया है। ठीक है, तो प्रोजेक्ट 15B के तहत क्या बनाया जा रहा है? तो विध्वंसक मिसाइल बनाया जा रहा है। ठीक है, उसका इम्फाल का अनावरण हो गया। चेन्नई स्थित स्टार्टअप अग्निकुल दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड, ठीक है, रॉकेट बनाई। इसका नाम क्या है? इसका सफल परीक्षण भी हो गया। क्या नाम है इसका? इसका नाम क्या है? अग्निवान है। भारतीय नौसेना के एंटी सबमरीन वारफेयर शैलो वाटर क्राफ्ट परियोजना के चौथे जहाज अमिनी को, ठीक है, कुटुपल्ली केरल में लॉन्च किया गया। तो भारतीय नौसेना ने एंटी सबमरीन वारफेयर शैलो वाटर क्राफ्ट परियोजना के तहत चौथे जहाज जिसको बनाया गया उसको लॉन्च भी कर दिया। क्या नाम है चौथे जहाज का नाम? अमिनी। कहां पे लॉन्च किया गया? ठीक है, कट्टूपल्ली कट्टुपल्ली, ठीक, कट्टुपल्ली केरल में इसको लॉन्च किया गया। ठीक है, हाल ही में चीन ने दुनिया का सबसे तेज इंटरनेट को लॉन्च किया है जिसकी स्पीड कितनी है? तो 1200, ठीक है, गीगाबाइट प्रति सेकेंड है। ठीक है, तो 1200 गीगाबाइट प्रति सेकेंड है। केंद्रीय पोत परिवहन एवं जल मार्ग मंत्री सर्बानंद सोनेवाल ने
मुंबई में भारत के पहले अंतर्राष्ट्रीय क्रूज लाइनर कोस्टा सेरेना की घरेलू जल यात्रा की शुरुआत की। देखो अपना देश पहल के तहत इसका उद्देश्य घरेलू पर्यटन को बढ़ावा देना है। ठीक है, देखो अपना देश घरेलू पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सर्बानंद सोनोवाल साहब ने मुंबई में भारत के पहले अंतर्राष्ट्रीय क्रूज लाइनर कोस्टा सेरेना की घरेलू जल यात्रा की शुरुआत की है। ठीक है, जो कि पर्यटन के क्षेत्र में काम आएगी। भारतीय नौसेना ने गुजरात के सूरत में स्वदेशी मिसाइल विध्वंसक पोर्ट सूरत का अनावरण किया। ये प्रोजेक्ट 15B के तहत निर्मित चार विध्वंसक पोतों में चौथा और अंतिम है। ठीक है, समध्यायक भी इसी का है। ठीक है, ये प्रोजेक्ट सूरत भी इसी का है। ठीक है, सूरत अंतिम है, चार बनाए जा रहे हैं। प्रोजेक्ट 15B के तहत कितने जहाज बनाए जा रहे हैं? चार चार विध्वंसक पोर्ट बनाए जा रहे, इसमें सूरत जो है साकरी है। हाल ही में स्वीडन की साब कंपनी ने हरियाणा के कंधे कंधे से दागे जाने वाले रॉकेट निर्माण सुविधा स्थापित करने की घोषणा की। इसके साथ ही कंपनी भारत में 100% FDI हासिल करने वाली पहली विदेशी कंपनी बन गई डिफेंस के क्षेत्र में। ठीक है, तो डिफेंस के क्षेत्र में 100% FDI हासिल करने वाली पहली कंपनी कौन बन गई है? साब कंपनी बन गई है। साब कहाँ की कंपनी है? स्वीडन की कंपनी है। कहाँ की है? स्वीडन की कंपनी। क्या बना रही है? रॉकेट लॉन्चर बना रही है। ठीक है, कहाँ पे बना रही है? हरियाणा में बना रही है। ठीक है, भारतीय सेना ने नई दिल्ली में दक्षिण एशिया और हिंद प्रशांत क्षेत्र में सुरक्षा चुनौतियों से निपटने के लिए चाणक्य रक्षा संवाद 2023 का आयोजन किया है। ठीक है, तो भारतीय सेना ने नई दिल्ली में दक्षिण एशिया और हिंद प्रशांत क्षेत्र में सुरक्षा चुनौतियों से निपटने के लिए चाणक्य रक्षा संवाद 2023 का आयोजन किया है, यह भी आपको ध्यान में रखना चाहिए। हाल ही में चीन ने दुनिया की पहली फ्लाइंग टैक्सी, ठीक है, EH216S को मंजूरी दे दी है। इसे इसे दुनिया का पहला उड़ान योग्यता प्रमाणन पत्र प्राप्त हो गया है। ठीक है, तो दुनिया का पहला फ्लाइंग टैक्सी को किसने विकसित किया है? चीन ने विकसित किया। नाम क्या है इसका? तो EH216S इसका नाम रखा गया है। ठीक है, 5 से 9 नवंबर तक मुंबई में भारतीय नौसेना की सबसे बड़ी नौकायन प्रतियोगिता रंगाटा का आयोजन किया है। ठीक है, तो रंगाटा की बात करेंगे तो भारतीय नौसेना की सबसे बड़ी नौकायन प्रतियोगिता कहाँ पे आयोजन किया गया? तो रंगाटा का आयोजन मुंबई में। भारतीय वायुसेना ने मेघालय की राजधानी शिलोंग में पूर्वी आकाश अभ्यास का आयोजन किया है। ठीक है, तो पूर्वी आकाश अभ्यास का आयोजन कहाँ पे किया गया? तो शिलोंग में किया गया। किसके द्वारा? तो भारतीय वायुसेना के द्वारा। हाल ही में फ्रांस के वैज्ञानिकों ने जमीन के नीचे व्हाइट हाइड्रोजन के सबसे बड़े भंडार की खोज की है। तो जमीन के नीचे मिला सफेद हाइड्रोजन कहाँ के वैज्ञानिकों ने खोज किया था? फ्रांस के वैज्ञानिकों ने खोज किया। अमरीकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने 20,000 वर्ष पुराने सुपरनोवा के अवशेष सिग्नस लूप के अध्ययन के लिए इन्फ्यूज मिशन को लॉन्च किया है। ठीक है, ध्यान में रखना, इंपॉर्टेंट मिशन है इन्फ्यूज मिशन। इन्फ्यूज मिशन का संबंध किससे? नासा से है। 2000 वर्ष पुराने सुपरनोवा के अवशेष सिग्नस लूप के अध्ययन के लिए इन्फ्यूज मिशन को लॉन्च किया गया। हाल ही में पोलस कंपनी हैंसन रोबोटिक्स तथा कोलंबिया के स्प्रिट ब्रांड डिक्टाडोर ने मीका को दुनिया का पहला AI ह्यूमनॉइड, ये पूछा हुआ था मीका के बारे में आपका 69 BC PPSC में, तो दुनिया का पहला, ठीक है, AI ह्यूमनॉइड रोबोट को किसने लॉन्च किया है? ठीक है, तो ध्यान में रखना है, क्या नाम है उसका? पोलिस कंपनी हैंसन रोबोटिक्स तथा कोलंबिया के स्प्रिट ब्रांड डिक्टाडोर ने मीका को लॉन्च किया, जो कि दुनिया का पहला ह्यूमनॉइड रोबोट CEO है। ठीक है, तो दुनिया का पहला CEO की बात करेंगे, ठीक है, जो कि रोबोट CEO है, AI के ऊपर काम कर, क्या नाम? मीका। रूस ने परमाणु ऊर्जा निगम रोस्टॉम ने बोलिविया के विश्व के सबसे ऊंची समुद्र तल से 4,000 मीटर के परमाणु सुविधा स्थापित की है। ठीक है, रूस ने परमाणु ऊर्जा निगम, जिसका नाम है रोस्टॉम, ने बात करेंगे तो कहाँ पे विश्व की सबसे बड़ी ऊंची परमाणु सुविधा स्थापित की है? तो बोलिविया में। कहाँ पे किया है? तो बोलिविया में किया है। ठीक है, हाल ही में ओमान की खाड़ी में जब्त की गई भारतीय नाविक जहाज, ठीक है, एडवांटेज स्वीट को ईरान से सुरक्षित वापस लाया गया। तो ओमान की खाड़ी में जब्त कर लिया गया था भारतीय नाविक जहाज, जिसका नाम था एडवांटेज स्वीट, उसको ईरान से सुरक्षित वापस लाया गया है। ठीक है, हाल ही में DRDO द्वारा प्रोजेक्ट कुछ शुरू किया गया। इसके तहत भारत इजराइल के आयरन डोम के समान अपनी 350 किलोमीटर से दूरी तक लंबी, ठीक है, वायु रक्षा प्रणाली विकसित करेगा। तो भारत अपना वायु रक्षा प्रणाली, भारत का ना वायु रक्षा प्रणाली, आई थिंक समर नाम है। ठीक है, तो भारत भी अपना वायु रक्षा प्रणाली विकसित करने जा रहा। कैसे? तो आयरन डोम की तरह, जो कि शॉर्ट रेंज होगा, 350 किलोमीटर तक की लंबी दूरी की वायु रक्षा प्रणाली, सॉरी शॉर्ट रेंज नहीं, लॉन्ग रेंज है। इसका नाम क्या? प्रोजेक्ट कुश। तो प्रोजेक्ट कुश के तहत क्या बनेगा? तो ADS बनेगा। ADS का मतलब क्या होता है? एयर डिफेंस सिस्टम होता है। आयरन डोम के तरह ही भारत में भी बनाया जाएगा, इसको भी आपको ध्यान में रखना चाहिए, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब हम लोग आगे चलेंगे तो देखेंगे अक्टूबर 2023 भी आ गया है। ठीक है।
29 अक्टूबर 2023 को नासा ने पृथ्वी से लगभग 2600 प्रकाश वर्ष दूर स्थित सुपरनोवा अवशेष सिग्नस लूप का अध्ययन करने के लिए इन्फ्यूज मिशन को लॉन्च किया, जो कि ऊपर हमने पढ़ा भी था। भारत हमारी पृथ्वी कैसे बनी है पता लगाने के लिए अमरीकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने साइकी मिशन को लॉन्च किया। इस मिशन के तहत अंतरिक्ष यान को क्षुद्र ग्रह साइकी पर भेजा जाएगा। ठीक है, तो साइकी क्या है? आपका क्षुद्र ग्रह है। इसके लिए साइकी मिशन को लॉन्च किया गया है, ध्यान में इसको रखना है। नासा ने इसको लॉन्च किया। अब चलते हैं आगे, देखेंगे भारत और यूरोपीय संघ ने अपना पहला संयुक्त नौसैनिक अभ्यास गिनी की खाड़ी में आयोजन किया है। ठीक है, तो गिनी के खाड़ी में भारत और यूरोपीय संघ ने अपना पहला नौसैनिक अभ्यास भी किया है। अब बात करेंगे चीन की एरोस्पेस कंपनी पीएलडी स्पेस ने यूरोप का पहला निजी पुनः प्रज्वल रॉकेट म्यूरा 1 का सफलतापूर्वक लॉन्च किया। ठीक है, तो रीयूजेबल रॉकेट है म्यूरा 1, उसको फिर से सफलतापूर्वक लॉन्च कर दिया गया है। ठीक है, ये यूरोप का पहला है। और ये स्पेस कंपनी की बात करेंगे तो स्पेस स्पेन की कंपनी है, जिसका नाम क्या है? पीएलडी स्पेस। ब्राजील के वैज्ञानिकों ने कोकीन एवं क्रैक के उपचार के लिए एक, ठीक है, केली कस्कोका नामक टीके का विकसित किया है। ठीक है, तो केली कस्कोका नामक टीके जो है क्या चीज के ऊपर काम करेगी? तो कोकीन एवं क्रैक के उपचार के लिए काम करेगी। ब्राजील के वैज्ञानिकों ने इसे विकसित किया है। भारतीय वायुसेना द्वारा 91 वर्षगांठ, ठीक है, भारतीय वायुसेना के द्वारा 91 वर्षगांठ पर अपने नए ध्वज का अनावरण किया गया। ठीक है, तो भारतीय वायुसेना की स्थापना कब हुई थी? भारतीय वायुसेना का स्थापना कब हुआ था? ज्यादा के 1932। ट्वेंटी सेवन 7 तो नहीं होगा, आई थिंक 8 अक्टूबर 1932 को हुआ था। ठीक है, चेक कर लेना, 32 ही होना चाहिए। ठीक है, ठीक है, इसमें 91 जोड़े क्या? 2 1 3 9 3 12, ठीक है, 23 तो आ गया। ठीक है, तो 91 वर्षगांठ पर अपने नए ध्वज का अनावरण किया गया। ठीक है, ध्यान में रखना है। चले, तो 8 अक्टूबर को वायुसेना दिवस मनाते हैं। वार्षिक संयुक्त मानवीय सहायता और आपदा राहत अभ्यास चक्रवात का आयोजन 9 से 11 अक्टूबर तक गोवा में भारतीय नौसेना के द्वारा किया गया। इसमें एनडीआरएफ, भारतीय नौसेना, भारतीय वायुसेना, भारतीय तटरक्षक बल और अग्निशमन सेवा ने भी पार्टिसिपेट किया। तो भारतीय संयुक्त मानवीय सहायता और आपदा राहत अभ्यास चक्रवात का आयोजन कहां पे किया गया? गोवा में। ठीक है, सेना के पहले वर्टिकल विंड टनल को हिमाचल प्रदेश से प्रशिक्षण स्कूल के रूप में खोला गया है। ठीक है, तो सेना का पहला वर्टिकल विंड टनल की स्थापना कहाँ पे किया गया है? हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, यहाँ पे जंप वगैरह कैसे लगाते हैं, स्पेस में कैसे रखते हैं, जीरो ग्रेविटी में कैसे रहते हैं, सब यहाँ पे सिखाया जाएगा। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का दूसरा स्पोर्ट्स पैक तमिलनाडु में स्थापित किया गया। ठीक है, तो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का दूसरा स्पेस पोर्ट कहाँ पे आयोजन किया गया है? तो तमिलनाडु में किया गया है, ध्यान में इसको रखना है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा भारतीय सैन्य विरासत महोत्सव के पहले संस्करण का उद्घाटन कहाँ पे हुआ? तो नई दिल्ली में हुआ है। ठीक है, ईरान ने अपने तीसरे सैन्य उपग्रह नूर 3 को सफलतापूर्वक लॉन्च कर दिया। नूर 3 किसका उपग्रह है? तो ईरान का है। ठीक है, ध्यान में रखना। भारतीय वायुसेना ने MiG-21 लड़ाकू विमान को रिटायर कर उनकी जगह स्वदेशी लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट Mark-A1 को लॉन्च किया। ठीक है, MiG-21 की बात करेंगे, रशियन मेड है, इसको उड़ता हुआ कफन कहते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको? उड़ता हुआ कफन कहते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा एक्सीडेंट करती है, काफी लोगों को इसने जान लिया है। ठीक है, बहुत ज्यादा एक्सीडेंट करती है MiG-21, रशियन मेड है, इसलिए इसको उड़ता हुआ कफन के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, फ्लाइंग कफन को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ठीक है, फ्लाइंग कफन को इंग्लिश में कॉफिन 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 बोलते हैं ना, तो फ्लाइंग कॉफिन कहा जाता है इसको। ठीक है, MiG-21 को। ठीक है, इसको रिटायर कर दिया हम लोगों ने, रशियन मेड थी ये। ठीक है, हालांकि काफी साथ भी दिया है, लेकिन बहुत सारे हमारे जो वीर सैनिक जो थे वायुसेना के ऑफिसर्स, उनकी जान भी इसने ली है। गोरखा राइफल से ब्रिटेन में आयोजित कैम्ब्रियन पेट्रोलिंग प्रतियोगिता 2023, जिसे मिलिट्री पेट्रोलिंग का ओलंपिक भी कहा जाता है, स्वर्ण पदक हासिल किया है। मिलिट्री पेट्रोलिंग का ओलंपिक किसको बोलते हैं? कैम्ब्रियन पेट्रोलिंग प्रतियोगिता। ठीक है, जो कि कहाँ पे हुआ? ब्रिटेन में हुआ। इसमें गोरखा राइफल्स ने क्या जीता? तो गोरखा राइफल्स ने स्वर्ण पदक जीता है। ठीक है, ध्यान में रखना।
अब आते हैं आज के आखिरी सेगमेंट में, सितंबर 2023। हैदराबाद में स्थित रोबोटिक्स फर्म द्वारा भारत के पहले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा संचालित एंटी ड्रोन सिस्टम इंद्रजाल को विकसित किया गया। यह 4,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में रक्षा तंत्र प्रदान कर प्राप्त मतलब प्राप्त करता है। ठीक है, तो भारत का पहला एंटी ड्रोन सिस्टम का नाम क्या है? इंद्रजाल। मतलब इस क्षेत्र में कोई भी ड्रोन सिस्टम कार्य नहीं कर सकती अगर इसको लगा दिए तो। ठीक है, तो पहले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा संचालित है एंटी ड्रोन सिस्टम जिसका इंद्रजाल विकसित किया गया, 4,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में रक्षा तंत्र प्रदान करता, किसी भी ड्रोन को प्रवेश करने की अनुमति नहीं देगा। हाल ही में भारत ने स्पेन के साथ किए गए समझौते के तहत पहला C-295 परिवहन विमान प्राप्त कर लिया। ठीक है, C-295 की बात करेंगे तो इसका निर्माण भारत में भी हो रहा है, मेनली वो असेंबलिंग डोंट होगा ग्रैप भारत में। हाँ ठीक है, इसके साथ किसने? टाटा स्पेस, टाटा ने, टाटा डिफेंस टेक्नोलॉजी ने टाटा भी इसमें एडवांस पार्टिसिपेट लिमिटेड। किया है। हाँ ठीक है, टाटा ने भी इसमें अपनी सहयोगात्मक कदम बढ़ाया। ठीक है, ध्यान रखना C-295। अब बात करेंगे 18 सितंबर को भारतीय तटरक्षक बल ने पश्चिमी तट पर तटीय सुरक्षा अभ्यास ऑपरेशन सजग का आयोजन किया। ठीक है, तो ऑपरेशन सजग का आयोजन किसके द्वारा? तो भारतीय तटरक्षक बल। ठीक है, ध्यान में रखना, पहली बार भारत इंडोनेशिया ऑस्ट्रेलिया त्रिपक्षीय समुद्री अभ्यास आयोजन किया गया, भारत इंडोनेशिया ऑस्ट्रेलिया, जिसमें भारत की ओर से INS शहादरी ने पार्टिसिपेट किया है। हाल ही में ताइवान ने अपनी घरेलू रूप से निर्मित पनडुब्बी हाइकुन का अनावरण किया। ठीक है, तो ताइवान के द्वारा हाइकुन का अनावरण कर दिया है जो कि घरेलू रूप से निर्मित क्या है? पनडुब्बी है। इजिप्ट ने बहुराष्ट्रीय युद्धाभ्यास BRIGHT STAR 23 का आयोजन किया, जिसे भारत की ओर से INS सुमेधा ने पार्टिसिपेट किया। तो BRIGHT STAR 23 का आयोजन किसके द्वारा किया गया? तो क्या बताएंगे? तो इजिप्ट के द्वारा। भारत की तरफ से किसने पार्टिसिपेट किया? तो क्या बताएंगे? तो INS सुमेधा ने। भारतीय सेना ने 600 स्व निष्क्रिय एंटी टैंक माइंस विभव को शामिल किया है, यह भी आपको ध्यान में रखना है। जापान ने स्वदेशी रॉकेट H क्या लिखा हुआ है भाई, H2A के जरिए इंद्र मिशन मून स्नाइपर को लॉन्च किया। ठीक है, तो जापान ने अपने इंद्र मिशन के लिए मून स्नाइपर को लॉन्च किया, इसके लिए जिस रॉकेट का प्रयोग किया गया है तो रॉकेट H-21 है। रूस में आतंकवाद निरोधक फील्ड प्रशिक्षण अभ्यास FTX-23 का आयोजन किया गया, जिसमें भारतीय सेना ने पार्टिसिपेट किया। तो रूस में आतंकवाद निरोधक फील्ड प्रशिक्षण अभ्यास जिसका नाम क्या है? FTX-23। UAE के सुल्तान अल नयादी अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष केंद्र में सर्वाधिक समय 6 महीने तक रहने वाले UAE के पहली अंतरिक्ष यात्री बन गए। ठीक है, तो UAE के सुल्तान, ठीक है, अल नयादी अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष केंद्र में सर्वाधिक समय 6 महीने तक रहने वाले UAE के पहले अंतरिक्ष यात्री बन गए, इसका नाम क्या है? सुल्तान अल नयादी। हाल ही में उत्तर कोरिया ने अपने पहले न्यूक्लियर अटैक पनडुब्बी को लॉन्च किया, जिसे हीरो किम कुन ओक नाम दिया गया। ठीक है, क्या है ये? तो न्यूक्लियर अटैक पनडुब्बी है। ठीक है, उत्तर कोरिया का पहले न्यूक्लियर अटैक पनडुब्बी है, इसका नाम है हीरो किम कुन ओक। हाल ही में वैज्ञानिकों ने दुनिया के 8वें महाद्वीप का नक्शा जारी किया है। ठीक है, और 8वें महाद्वीप का नाम क्या रखा गया है? जीलैंडिया रखा गया है। ठीक है, जिसका 94% भाग समुद्र के नीचे है, जो प्रशांत महासागर में है। ठीक है, तो दुनिया का 8वां महादेश का नाम जीलैंडिया है, जो कि कहाँ पे है? प्रशांत महासागर के नीचे है, ध्यान में रखना है, 94% भाग जो है समुद्र में ही है। ठीक है, जीलैंडिया ये न्यूजीलैंड के ऑस्ट्रेलिया के आसपास का इलाका है। ये Project 70A की बात करेंगे तो Project 70A में ध्यान रखना युद्धपोत बनाया जा रहा है, के तहत निर्मित 7वें और अंतिम युद्ध पर महेंद्रगिरी को मुंबई के मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड में लॉन्च कर दिया गया। ये प्रोजेक्ट के तहत 6ठा युद्ध पर विंध्यगिरी को अगस्त 2023 में कोलकाता में लॉन्च किया गया। ठीक है, Project 70A के तहत कितने? 7 युद्धपोत बनाए जा रहे थे। ठीक है, 7वां और अंतिम का नाम क्या है? महेंद्रगिरी है। 6ठा का नाम क्या था? विंध्यगिरी था। बात करेंगे, केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने नई दिल्ली में भारत का पहला स्वदेशी रूप से विकसित किफायती हल्का अल्ट्रा फास्ट हाई स्पीड, ठीक है, 1.5 टेस्ला का है, नेक्स्ट जनरेशन मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग MRI स्कैनर लॉन्च किया है। इसे क्या लिखा, वॉक्सेल ग्रिड्स इनोवेशन प्राइवेट लिमिटेड ने, जैव प्रौद्योगिकी विभाग ने अंतर्राष्ट्रीय बायोफार्मा मिशन के तहत विकसित किया है। फेसबुक और इंस्टाग्राम की मूल कंपनी मेटा ने एक नया कृत्रिम बुद्धिमत्ता संचालित टूल कोडा लामा को लॉन्च किया। कोड लामा को किसने लॉन्च किया? मेटा ने, जो कोडर्स और IT इंजीनियरों को कोड बनाने और मानव लिखित कार्यों को डिबग करने में मदद करेगा। सूर्य के अध्ययन करने के लिए भारत की पहली अंतरिक्ष आधारित वेधशाला आदित्य L1 को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के द्वारा 2 सितंबर 2023 को श्रीहरिकोटा से लॉन्च कर दिया गया था, ध्यान में रखना है। ठीक है, तो क्या नाम है? L1 थे, L1 का
क्या नाम था L1 का, नाम क्या था L1 का? लैंग्रेंज लैंग्रेज पॉइंट। ठीक है, कितने लैंग्रेज पॉइंट है सूर्य में? कितने पांच थे? पांच पांच थे। ठीक है, ध्यान में रखना है। टी ऑफ का